केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देश पर की गई शिकायतों की जांच में सीबीआई ने जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान के नाम पर ठगी करने वाले आरएस फाउंडेशन का भंडाफोड़ किया है। सीबीआई ने फाउंडेशन के संस्थापक सुरेश कुमार वर्मा और मैनेजर सुभाष सिंह को गिरफ्तार कर बड़ी संख्या में इससे जुड़े कागजात और कई अन्य दस्तावेज बरामद किए हैं। दरअसल मंत्री शेखावत को कई राज्यों से जल जीवन मिशन और जल शक्ति अभियान से संबंधित कार्यों के ठेके दिलाने के नाम पर पैसे लेने की शिकायत मिली थी। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ने सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। जांच में सीबीआई ने सामने आया कि आरएस फाउंडेशन जो वाटर टैंक, सोलर वाटर पंप, बोरिंग और वाटर कनेक्शन दिलाने वाले एनजीओ के रूप में रजिस्टर्ड है और जल जीवन मिशन के तहत कार्य करने के नाम पर एग्रीमेंट करा रहा है, साथ ही ठेके दिलाने के नाम पर करोड़ों की ठगी की जा चुकी है। खुलासे के बाद केंद्रीय मंत्री के निर्देश पर मंत्रालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है। राज्यों को तथ्यों की जांच करने को भी कहा गया है। जियो जो अपने आप को आरएस फाउंडेशन ऐसा नाम बताता है, वो उत्तर प्रदेश में, हरियाणा में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, उसको जल शक्ति मंत्रालय ने काम करने का जिम्मेदारी दी है, ऐसा अपने आप को पोर्ट्रे करते हुए लोगों को काम देने के बहाने उनसे फर्जी एमओयू करके पैसा ले रहा है। कुछ लोगों ने मुझसे संपर्क किया था अलग अलग जगह से कि ऐसा हमको ऑफर मिला है, क्या आपके मंत्रालय ने किया है। हमने तुरंत विषय की गहनता से छानबीन की और सीबीआई को एक निर्देश दिया मैंने मेरे मंत्रालय को कि सीबीआई में तुरंत इसकी रिपोर्ट की जानी चाहिए। सीबीआई ने उनको, उन दो लोगों को जो है ये सब षड्यंत्र चला रहे थे, घोटाला कर रहे थे, उनको गिरफ्तार किया। उनके जयपुर दिल्ली सहित अनेक कार्यालयों से जो है सारे ऐसे 115 से ज़्यादा एमओयू सीज किए।